विश्वविद्यालय को पुरिला 100 वर्ष एही अवसर रे आयोजित होइथिला स्वतंत्र कार्यक्रम फ्रॉम स्वराष्ट्र न्यू इंडिया सेमिनार रे जोग देथिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एही अंतरजातीय सेमिनार रे मोट 16 सेशन रहिछि जेउथरे अनेक विषय उपरे चर्चा हेबो गृहमंत्री अमित शाह प्रथम थर पई दिल्ली यूनिवर्सिटी रे एही कार्यक्रम रे जोग देइछंती कार्यक्रम शाह कहते अनुष्ठान 100 वर्ष पूर्ति गौरव विषय सबु क्षेत्र में उन्नति करने आम संकल्पबद्ध भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र होता बेले आमर विचारधारा को विश्व ग्रहण करे किसी भी संस्था का 100 साल होना 100 साल तक संस्था दिन प्रतिदिन गौरव में बढ़ोतरी करने के साथ चलना और 100 साल के बाद भी अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और विशेषकर जब संस्था यूनिवर्सिटी हो तब तो बहुत कठिनाई के साथ इस मकाम पर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब शायद देश में 100 यूनिवर्सिटी भी नहीं हुई और आज देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बीच में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है अपने लीडरशिप के गुण को भी बनाकर संजो कर रखा है। इसलिए स्थापना से लेकर उसके स्थापक कुलपति हरि सिंह गौर जी से लेकर योगेश सिंह जी तक सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। कार्यक्रम रे केंद्र गृहमंत्री और शिक्षामंत्री को धन्यवाद जणाइथिले दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से परि छात्र अवस्था रे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र होबा पई खूब इच्छा थिबा कहिथिले धर्मेंद्र प्रधान समय सह ताल देई काम करबाकू पडियो बोली छात्र छात्रिन को से आह्वान करिछंती से परि ई कॉमर्स चाहिदा बढ़ुथवारु याकू पाठ्यक्रम रे शामिल करबाकू से परामर्श देइछंती क्या ई कॉमर्स जो हमारी जिंदगी के एक नई आयाम जुड़ चुका है हमारी नई पीढ़ी सारा चीज ई कॉमर्स पे कर रहा है। ई कॉमर्स 5 रुपया का भी होता है 5 लाख रुपया का भी होता है। ई कॉमर्स फेसलेस होता है विवाद होने से उसको समाधान कैसे करें 200-300-400 रुपया की परचेज पे जो बॉटम ऑफ पिरामिड करता है उसको कैसे समाधान करें। मित्रों कुछ मित्र मेरे को परामर्श दे रहे थे इसकी भी आर्बिट्रेशन की एक कोर्स बनाया जा सकता है। मैं चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के लिए ऐसे फ्यूचरिस्टिक ऐसे नया कोर्सेस अपने पाठ्यक्रम में धीरे धीरे जोड़े। उनको देख के यही लगता है कि नदी है जहां से निकलेंगे वहां की मिट्टी तो गीली वो करेंगे ही और इसी कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने जैसा मुश्किल काम उनके पास है और वो उसको कर भी रहे हैं और वो काम अच्छा भी होगा और देश आने वाले बहुत वर्षों तक उसका लाभ भी उठाएगा। मुश्किल है तो क्या हुआ पर ये होगा क्योंकि ऐसे जब लीडर होते हैं तो कहा है ना किसी ने कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। ऐसे शिक्षा मंत्री का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम रे स्थानीय भाषा को गुरुत्व देबा सह एही विश्वविद्यालय रु अनेक मेधावी छात्र बाहरी देशर उन्नति रे जोगदेय बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले केंद्र शिक्षा मंत्री। दिल्ली रु गगन बिश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।